नमस्कार शाकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। मैं फखरुद्दीन हाशमी। मैं रविंद्र नायक। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारत की पहली बड़ी लाइन वाली एसी मुंबई लोकल ट्रेन ने बुधवार को 2 साल पूरे कर लिए। इस दौरान पश्चिम रेलवे ने इस ट्रेन से कम 40 करोड़ रुपए कमाए। शुक्रवार को एक आधिकारिक रूप में यह जानकारी दी गई। मुंबई पुलिस ने डोंगरी से एक युवक को पत्रकार को धमकी देने के मामले में हिरासत में लिया है। इस युवक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन मनाते हुए वीडियो शेयर किया था। गुरुवार को दाऊद का 64वां जन्मदिन था। पुलिस ने डोंगरी में रहने वाले अजहर फिरोज मनिहार और शेरा चिकना को पकड़ा है। उस पर स्थानीय पत्रकार मोहसिन शेख को धमकाने का आरोप है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के कार का एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के पास हुआ। सपना की कार को किसी दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी। कार की तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। इस एक्सीडेंट से बाल बाल बची सपना चौधरी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी चिंता उनके गांव घर की होती है। आजीविका की तलाश में वे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं। ऐसे में उनके गांव घर में होने वाली दिक्कतों को हल करना सबसे बड़ी समस्या होती है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई में एक नोडल अफसर की नियुक्ति की है। इस अफसर का काम लोगों की शिकायतें सुनना और संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। अंधेरी के MIDC एरिया के एक डांस बार पर छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 महिलाओं को इस गोरख धंधे से बचाया गया। पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि नाइट लवर्स बार में महिलाओं से अश्लील डांस कराया जा रहा है, जिसके बाद शनिवार देर रात पुलिस ने अंधेरी के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में छापा मारा। जोन 10 के पुलिस उपायुक्त अंकित गोयल ने कहा, हमने बार के मैनेजर, 2 वेटर और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 महिलाओं को बचाया गया है। भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने महाराष्ट्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक समारोह में कहा है कि क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे, क्या इस देश में कोई भी आकर रह पाएगा, इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत में भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों को ही यहां रह पाएंगे। इस विचार को हमें स्पष्ट करना ही पड़ेगा। मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक रशियन महिला ने पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस इंस्पेक्टर पर रेप करने का मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला के वकील के मुताबिक पीड़िता वर्किंग वीजा पर रशिया से बॉलीवुड में एक्टिंग करने साल 2004 में मुंबई आई और कुछ ही दिनों में पीड़िता का वीजा एक्सपायर हो गया। तब इस पुलिस इंस्पेक्टर ने फर्जी वीजा बनाने में उसकी मदद की और बदले में उससे कई बार रेप किया। बिग बॉस के घर के अंदर जाकर सलमान खान ने खुद किया बर्तन और बाथरूम साफ, क्योंकि घर के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा था और घर पूरा गंदा पड़ा था, जो सलमान को देखा नहीं गया और वो खुद करने लगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने नए साल के मौके पर रूफटॉप यानी छत पर पार्टी मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। BMC ने कहा कि होटल, बार, रेस्टोरेंट और पब की छत पर पार्टी नहीं मनाया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक BMC ने लोअर परेल इलाके के सभी रेस्टोरेंट और पब्स को रूफटॉप पार्टी आयोजित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। लोअर परेल के कमला मिल्स, रघुवंशी मिल्स और तोड़ी मिल्स पर BMC की कड़ी नजर है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए BMC ने यह फैसला लिया है। मेलबर्न टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 247 रन से हराया, उसके खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीती। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज चैनल। साखा न्यूज 9 को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।